जय श्री राम गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग टेस्टिंग करने हैं आईपैड के ऊपर, और एक आईपैड के ऊपर नहीं, दो आईपैड के ऊपर टेस्टिंग करना है जिनमें सेम प्रोसेसर है, A14 बायोनिक चिप। तो खैर ये वाला जो रखा हुआ ये तो है आईपैड एयर 4 जनरेशन, और जो दोनों ही आईपैड हम लोग टेस्टिंग करने हैं सेम वेरियंट है, बेस वेरियंट 64GB ओनली वाईफाई वाला। और खैर ये वीडियो मैं ऑफिस में बना रहा हूँ तो ट्रेनिंग वाला वाईफाई भी कनेक्ट है। और ये वाला जो आईपैड है ये भी मेरे ट्रेनर का ही है, तो इसमें खैर बैटरी हेल्थ रिलेटेड तो खैर कुछ नहीं होता आईपैड्स में, और मेनली यूज़ जो है वही टीम्स वाला है क्योंकि मीटिंग वीटिंग चलती रहती है। बाकी इसमें देखिए कि गाइस प्रोसेसर आप लोग को वही A14 बायोनिक चिप मिलता है। अब इसके बाद जो हम लोग दूसरा आईपैड चेक करेंगे वो रहने वाला आईपैड 10 जनरेशन, उसमें भी आप लोग को A14 बायोनिक चिप देखने को मिलता है, और दोनों के जो प्राइस वेरिएशन है बहुत ही ज़्यादा अंतर है। मतलब एक आप लोग को मिल जाएगा 30,000 के आसपास तक का, और दूसरा रहता है 50,000 तक का। खैर आईपैड 10 जनरेशन जो है ये भी, इसमें भी आप लोग को A14 बायोनिक चिप देखने को मिलती, बट ये जो है ये आप लोग को 28,000-30,000 के आसपास तक का देखने को मिल जाता है, और ऑफर लग जाते हैं तो और भी सस्ता हो जाता है। और खैर ये भी 64GB ओनली वाईफाई, बैटरी रिलेटेड कुछ रहता नहीं आईपैड्स में। और गाइस जैसे काफ़ी लोग कन्फ्यूजन था कि आईपैड एयर 4 जनरेशन परचेस करें या फिर आईपैड 10 जनरेशन परचेस करें, तो मेरी तरफ से जो रिकमेंडेशन रहना है वो तो मैं कहूँगा कि आप लोग आईपैड 10 जनरेशन परचेस करें। प्रोसेसर देख लीजिए आप लोग बिल्कुल सेम, मतलब कोई भी कोर में चेंजमेंट नहीं है दोनों के डिवाइसेस में। और बीच में ग्राफिक्स की बात की तो वो भी आप लोग को स्मूथ एक्सट्रीम ही मिलने वाले हैं दोनों ही डिवाइसेस में, क्योंकि दोनों ही डिवाइसेस में आप लोग को स्क्रीन पे 60Hz की रिफ्रेश रेट ही मिलती है, उससे ज़्यादा आप लोग को ऑप्शन कुछ भी नहीं देखने को मिलता। तो खैर स्मूथ एक्सट्रीम ही आप लोग के लिए मैक्स ऑप्शन रहने वाला है आईपैड्स पे, चाहे आईपैड 10 जनरेशन हो चाहे 4 जनरेशन हो एयर वाला। और गाइज ये आईपैड 10 जनरेशन का जो वीडियो मैं बैकग्राउंड में चल रहा है ये पुराने अपडेट का इसलिए है क्योंकि अभी नया अपडेट जो है वो मैंने रिकॉर्ड नहीं कराया, और खैर इसलिए भी नहीं कर पाया हूँ क्योंकि अभी मैं हूँ उस टाइम पे गुड़गांव में ऑफिस लोकेशन पे। तो गाइज इस वजह से आईपैड 10 जनरेशन का वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँ, तो पुराने अपडेट से आप लोग को समझा दे रहे हैं कि परफॉर्मेंस अभी प्रेजेंट टाइम पर आप लोग को कैसी देखने को मिल रही है। खैर 4 जनरेशन में ही बता देते हैं, तो खैर ये जो जंप वाला लैग यहाँ पर हुआ था पुराने अपडेट में ये भी फिक्स हो गया एयर 4 जनरेशन में भी, और 10 जनरेशन में भी मेरे को लैग देखने को नहीं मिला। अब एयर 4 जनरेशन का वीडियो भी इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि वो ऑफिस में मैंने वीडियो बनाया था तो सर बोला कि उस टाइम पे ना गेम खेलो, तो इसलिए मैंने नहीं खेला। बाकी परफॉर्मेंस देखिए गाइस A14 बायोनिक चिप पर प्रोसेसर पूरी डिटेल्स आप लोग को सेम ही देखने को मिल रही दोनों ही डिवाइसेस में। एक लड़का है वो वीडियोस में मोस्टली कमेंट करता रहता कि भाई तुम वीडियो क्लास में ही बनाते रहते हो, तो खैर अब ये ना कमेंट करना कि क्लास बनाते हो, अब ये कह देना ऑफिस में बना रहे हो क्या वीडियो, क्योंकि अब तो खैर मोस्टली वीडियोस मैं ऑफिस में ही बनाया करूँ, क्लास लास्ट तो छूट चुकी है। अब खैर ये क्लास ऑफिस वाली बात को साइड में करते हैं और टॉपिक पे आते हैं। तो खैर गाइस जैसा कि थंबनेल में बताया था आप लोगों को बेस्ट आईपैड फॉर गेमिंग 2024 के लिए, तो मैं कहूँगा आईपैड 10 जनरेशन है जो कि सबसे बढ़िया बजट में आप लोग के लिए रहने वाला है, 30,000 सबसे बेस्ट बजट रहने वाला है। उसमें आप लोग को आईपैड 10 जनरेशन में जो कि A14 बायोनिक चिप देखने को मिलती है, बड़ी डिस्प्ले के साथ साथ बैटरी बैकअप भी आप लोग को अच्छा मिलेगा, साथ में साथ परफॉर्मेंस भी बढ़िया ही देखने को मिलने वाली। आप लोग को हल्का फुल्का रेंडर लैग भले ही देखने को मिल जाए, बट ये कि परफॉर्मेंस आप लोग को टॉप नॉच बिल्कुल मतलब बढ़िया मिलती रहेगी, कोई भी आप लोग को इतनी भयंकर लैग वाली दिक्कत नहीं होने वाली, और गेम प्ले भी आप लोग का फुल स्मूथ रहने वाला है। और यहीं पर अगर आप लोग का बजट नियर अबाउट 40,000-50,000 है और आईपैड प्रो मॉडल को आप लोग परचेस करना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मैं एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा आईपैड प्रो का, वो आप लोग जरूर से चेक करिएगा, उसमें भी आप लोग को देखिएगा मतलब परफॉर्मेंस में तो आप लोग को 90% देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप लोग का बजट थोड़ा ज़्यादा है तो आप लोग आईपैड प्रो की तरफ जा सकते हैं, वरना तो अगर 30,000 तक का बजट है तो मैं तो कहूँगा आप लोग आईपैड 10 जनरेशन परचेस कर लीजिए, सबसे बेस्ट रहने वाला है। बाकी थोड़े टाइम में मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग के लिए एक डिटेल्ड वीडियो बना लूँ जिसमें कि अभी नए वाले अपडेट का टेस्टिंग कर दूँ। अब गाइस यही थोड़ा ऑफिस की वजह से थोड़ा डिले हो जाता है, तो अगर कमेंट पे भी रिप्लाई अगर मैं नहीं कर पाऊँ टाइम पे तो थोड़ा समझ लीजिए कि थोड़ा डिले हो रहा है ऑफिस के टाइम की वजह से। बाकी फिर भी अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो कोई भी आईपैड आईफोन या फिर एंड्रॉयड फ़ोन से रिलेटेड, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में तो नहीं कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और वीडियो यहाँ तक का देखा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में कुछ नीचे वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा लास्ट में, तो आप लोग जाके वो भी चेक कर लीजिएगा अगर आप लोग कुछ चेक करने हो, तो वो तो खैर डिटेल में रहने वाले हैं। ये थोड़ा मैंने शॉर्ट में ऐसे ही आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए बना दिया कि आईपैड 10 जनरेशन सबसे बेस्ट रहने वाला, वैल्यू फॉर मनी रहने वाला आप लोग के लिए।